बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसिज मसूद और आप देख रहे हैं राजन्स ऑफ फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक बहुत ही मज़े की और बहुत ही जो है वो आसान रेसिपी, आलू और अंडे की रेसिपी है। बहुत डिफरेंट है और बहुत मज़े की होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने एक बड़े साइज का जो है वो आलू लिया है, उसको छील कर हम इस तरह के स्लाइसिस में जो है वो काट रहे हैं। एक ही जो है वो आलू काफी है इस रेसिपी के लिए, बड़े साइज का होना चाहिए। आलू हमने काट लिया है सारा। यहाँ हमने एक पैन ले लिया है। तो अब हमारे पास घी है, ब्रश की मदद से चारों साइड पे अच्छी तरह जो है वो घी लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठंडा घी है हमारे पास, इसको गर्म नहीं करना या मेल्ट नहीं करना, बिल्कुल इस तरह ठंडा जो है वो ब्रश की मदद से अच्छी तरह जो है वो पैन के किनारों पर और जो है वो उसके पैंदे में लगा लेंगे। और अब ये जो आलू हमने काटे हैं पैन में रखना स्टार्ट करेंगे तरतीब के साथ, एक दूसरे के ऊपर हम जो है वो रखते जाएंगे। आलू और अंडे ऐसी चीज़ हैं कि इनके साथ बेशुमार जो है वो रेसिपीज तैयार होती हैं, और पहली बात यह है कि सबको पसंद भी आती हैं। और ये रेसिपी भी थोड़ी सी डिफरेंट है, बहुत कम बनाई जाती है लेकिन बहुत मज़े की होती है। आप एंड तक लाजमी देखिएगा और उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर हमें कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको जो है पसंद आएगी। यहाँ पे सारे आलू हमारे जो है वो पूरे हो गए। आलू सारे हमने तरतीब के साथ रख लिए हैं। चूल्हे की फ्लेम हमने ऑन कर लिया है और अब अपना जो पैन है इस पे रख देंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इसे पकाना है। पाँच से सात मिनट के लिए हम इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कवर करके छोड़ देंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखी है और देख सकते हैं कि ये आस्ता आस्ता पकना जो है वो स्टार्ट हो गए। तो अब जो है वो फ्लेम हम थोड़ी कम कर देंगे, मीडियम और स्लो के जो मिडल में रखेंगे और इसको कवर कर देंगे। पाँच से सात मिनट के लिए बिल्कुल से दरमियानी आँच पर हम जो है वो कवर करके छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमने तीन अदद अंडे लिए हैं, इनमें डालेंगे एक चुटकी काली मिर्च, थोड़ी सी सूख मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। इसको बीट कर लेंगे। अंडे हमने अच्छी तरह फेंट लिए हैं, तो अब इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं वो मिक्स करेंगे और इनको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पाँच से सात मिनट हो गए हैं, तो अब जो है वो ढक्कन उठाते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी, जैसे चिप्स तलने की खुशबू नहीं होती वैसी आ रही है। यहाँ पे हम फ्लेम बंद कर देंगे और एक प्लेट ऊपर उल्टी करके
देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत गोल्डन सा जो है वो कलर आया है। तो यहाँ पे हम जो है वो इसे बहुत एहतियात के साथ दोबारा जो है वो डालेंगे। दोबारा से उसी तरतीब के साथ जो है वो हम इसे यहाँ पे रख दें और फ्लैम दोबारा से ऑन कर लेंगे। अब ये दूसरी साइड से पलट के हमने कर दिया है और फ्लेम हमने बिल्कुल स्लोली जो है वो नीचे ऑन कर लिया। और अब थोड़ा थोड़ा करके ये जो अंडे हमने बीट करके रखे हैं वो डालेंगे। वो डाल दिए हैं सारे और बिल्कुल स्लो फ्लेम करके इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं तो अब हम इसका कवर हटाते हैं। माशाल्लाह से साइड पर से जो है बहुत फ्लफी हो रहा है हमारा एग जो है। और अब जो है इसके ऊपर हम थोड़ी सी हमारे पास ये चीज़ है, अगर आप पसंद करते हैं ये टोटली जो है वो ऑप्शनल है। ये डाल देंगे और दोबारा से इसे 1-2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं तो यहाँ पे हम चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे और चेक करते हैं अपने। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बहुत ही फ्लफी हमारा जो है वो ऑमलेट तैयार हुआ है। हमने इसमें के नारू को जो है वो स्पैचुला की मदद से अलग कर लेंगे और बहुत ही जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। हमारा टैटो पिज़्ज़ा जो है वो रेडी है। अभी यहाँ इस पर थोड़ी सी जो है वो सुर्ख मिर्च, थोड़ा सा जो है वो पुदीने के पत्ते गार्निशिंग के लिए डालेंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जो है वो डिलीशियस खुशबूदार सा हमारा अंडे और आलू की जो है वो रेसिपी तैयार है। चीज़ डालने से इसके फ्लेवर बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है, बहुत मज़ेदार बहुत वाटरिंग जो है वो रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।